अपने जीत पर जनता के लिए। देखिए जनता का हर दुख सुख में साथ में रहेंगे, रात हो या दिन। जनता का हॉर्स राइडिंग के तहत दूसरे बार लगातार बनाया जाता था, आज जनता के मुंह पर जनता के मुंह पर ताला लगा है कि कहते थे कि दार्जिलिंग और गोवा घुमाते थे, आज तो जनता हमको अपार समर्थन देकर जिताई है। तो क्या इस पे जनता को अपील करना चाहेंगे? जनता का जो भी काम होगा रात और दिन में करूंगा। विपक्षी को क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी को कहेंगे बढ़िया से रहिए। ऐसा कीजिए दोनों, ऐसा कीजिए तो जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टुडे और मैं डीके। आपको बताते चले कि वह झाझा नगर परिषद का चुनाव संपन्न होने के बाद आज उसकी मतगणना जम्मू शहर के जवाहर हाई स्कूल में कराया जा रहा है। और बता दें जो रिजल्ट आई है सामने में, चेयरमैन की बात करें तो संजय यादव भारी मतों से विजय घोषित किए गए हैं, और उनकी पत्नी का बात 14 से, जो कि जनता का अपार समर्थन के साथ, और बात करें तो वो निर्विरोध विजय घोषित की गई है। और जनता की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं लोगों में काफी उत्साह पूर्ण, इतनी भीषण गर्मी में भी जोश खरोश के साथ लोग उत्साह के साथ रिजल्ट को सुनने के लिए बेतवाब हैं। संजय जी क्या कहेंगे अपने विरोधियों को और जनता? देखिए विरोधी को भी सबका काम होंगे, सबका काम करेंगे। जनता को क्या कहेंगे? जनता का रात और दिन में सेवा करेंगे। आगे वोट मांगने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह मैं अपने वार्ड में निर्विरोध हुआ हूँ, कोशिश करूंगा कि झाझा नगर परिषद में निर्विरोध हुआ। घर तक घर घर तक पहुँचेगी। विजय घोषित उप चेयरमैन में आप हो गए हैं, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं तो जनता का धन्यवाद दूंगा, और रही बात कि जनता के बीच, जनता का धन्यवाद दूंगा और जनता के बीच मैं आज 10 वर्षों से रह रहा हूँ। ये हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। और मैं विगत 10 वर्षों से प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया हूँ, उसका अनुभव है। और हमारे जो अभी उप मुख्य पार्षद बने हैं, वो पहले उप मुख्य पार्षद थी, मेरी पत्नी चेयरमैन थी। मैं प्रतिनिधि के रूप में संजय कुमार यादव जी के साथ अच्छे तालमेल से कार्य किया हूँ, और इस बार भी हम दोनों कदम से कदम मिला करके झाझा के हित के लिए जो भी होगा मैं विकास करूँगा। पहले नगर पंचायत और अब नगर परिषद हो गया, ठीक है, कुछ तो मतलब आगे बढ़ा है। हाँ, आगे बढ़ा। और इस बीच में आप अच्छे मतों से विजय घोषित हुए हैं, आप क्या लगता है? देखिए रही बात यह है कि झूठे वादा हमें करने की आदत नहीं है। अभी जो भी प्रचार निकला है उसमें कोई बोला स्मार्ट सिटी बना देंगे, ग्रीन सिटी बना देंगे, ज्यादा ग्रीन बना देंगे। देखिए यहाँ बात उठती है कि नगर विकास से जितना अलॉटमेंट आने को होता है, आबादी पर अलॉटमेंट आती है, उसके अनुसार हर काम को होना है। अब झूठे वादा करने से जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।